स्टार्ट। ओके तो अभी इसको मैं इसमें बंद कर दिया हूँ और अभी देखो ऊपर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा ऐसे इसको घुमा के देखो ऐसे आ गया। तो अभी इसको फिल करेंगे पूरा। अभी थोड़ा टाइट होने लगा है अभी। इसको जाके थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, तो ये अब इसको उठा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये फुल हो गया और मैं इसको ऑन करके रखता हूँ और देखता हूँ कि ये स्प्रे जो है कितना टाइम तक चलता है। टाइम अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार। ओके गैस, तो हमने ये स्टार्ट कर दिए हैं। टाइमर भी हमने देखो 11 मिनट का लगाया है और इसको मैं लॉक कर देता हूँ थोड़ा आगे पुश करके, और इसको देखते हैं कि ये कितना मिनट तक चलता है। टाइमर हमने 11 मिनट का किया है, तो हम देखेंगे कि अगर कितना मिनट तक ये चलता है ऐसे स्प्रे। तो इसे हम करके रख देते हैं, अभी पॉज करते हैं, ये चलता रहेगा। पॉज कर दो। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं लगभग 6 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने 11 मिनट का लगाया था तो 5 मिनट बचे हैं, तो इट मीन्स 6 मिनट ओवर हो गए। और ये हमारा स्प्रे ऐसे कुछ अभी भी ऐसे ही चल रहा है, देखिए यू कैन सी। तो अभी भी ओके है, चल रहा है ये अच्छे से। तो लेट्स सी कितना और टाइम चलता है, मैं थोड़ा पॉज करता हूँ अभी। तो गाइस ये अभी लगभग 2 मिनट बचे हैं और ये अभी भी चल रहा है। ये है हमारा किसान क्राफ्ट का, कहीं लिखा भी है किसान क्राफ्ट, ये देखिए किसान क्राफ्ट यहाँ लिखा भी है। और ये क्या है, मॉडल PS 8000, बॉक्स में भी थैंकफुली वही है। तो इसके साथ एक ही नोजल आया है ये वाला, बस इसको थोड़ा सा घुमा के आप उसका फोर्स स्प्रे या थोड़ा स्ट्रेट ऐसा टाइप का कर सकते हो। तो ये प्रेशर थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ है लगभग, और ये आपका लगभग 1 मिनट बचा भी है 11 मिनट में। तो ये देखो प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया है, ये बन तो रहा है अभी भी जो है, लेकिन प्रेशर जो है डाउन ही दिख रहा है वहाँ पे। देखो आप स्प्रे हो रहा है, मैं थोड़ा इधर से देखता हूँ। ये कुछ स्प्रिंकलिंग वाटर की पूरा बूंदे बन जा रही हैं, अभी उतना अच्छा नहीं है। फिलहाल मान के चलो कि ये 10 मिनट तो अच्छे से चला, अभी भी चल ही रहा है। तो 10 मिनट आई थिंक गुड फॉर मी फ्रॉम रूफ टॉप, थिंक 10 मिनट इज गुड एनफ। ये हो गया देखो ओवर, यहाँ पे टाइम अप 11 मिनट का मैंने लगाया था और ये अभी भी थोड़ा चल ही रहा है फिलहाल, लेकिन 10 मिनट मान के चलता हूँ मैं।